सब्सक्राइब कीजिए टीम्स फॉर विन चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट फैंटेसी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो गाइस, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल ऑफ टीम फॉर विन। अभी हम जिस मैच के बारे में बात करने वाले हैं वो है आज का फाइटर टीम लास्ट का मैच, जो कि होने जा रहा वाविक्स और लिस्टेसर के बीच में। तो ये मैच जो है होने जा रहा है एज वेस्टन बर्मिंगहम में, जो कि वाविक शाह का घर है। कल लिस्टेसर खेल के गई थी नॉर्थम्पटन शहर के अगेंस्ट में और बहुत ही बुरी तरीके से उनकी बॉलिंग को रोंदा गया था, जैसे कि आपको पता ही होगा। एक विकेट उन्होंने बस खोया था नॉर्थम्पटन शहर ने और 200 के पार स्कोर पहुंचा दिया था। जिन्होंने भी आया था आए थे जितने बैट्समैन सभी ने उनको पील के रखा हुआ था उनके बॉलरों को। और इस सीजन में नहीं, पहले भी लिस्टेसर की बॉलिंग वीक रही थी, लेकिन पिछले सीजन में फिर भी नवीन उलहक उनकी तरफ से थे जो कुछ काम तो कर रहे थे, विकेट्स निकाल रहे थे, भले ही रन के लिए जाएं लेकिन विकेट निकाल दिखे दे रहे थे। अभी वो भी ढंग से उनसे नहीं हो रहा है। अगर डेथ ओवर में बॉलिंग करें तो शायद विकेट निकाल भी लें, लेकिन उस तरह से इफेक्टिव कुछ बॉलिंग उनकी तरफ से नहीं देखने मिल रही है। कैलम पर्किंसन भी बहुत ही डल नज़र आ रहे हैं अभी, और बाकी जो बॉलर्स हैं उनके बारे में हम जितनी कम बातें करें उतने ही बेहतर। बैटिंग की तरफ से बात करें तो वहाँ पर भी प्रॉब्लम्स नज़र आ रहे हैं। आरोन लिली जो पिछले सीजन में धमाकेदार परफॉर्मर रहे थे, उनका बिल्कुल भी ऑफ मतलब कुछ अभी तक दिख नहीं रहा है। कलर एकरमैन भी थोड़े से इनकंसिस्टेंट नज़र आ रहे हैं, कुछ मैचों में रन बना रहे हैं, कुछ मैचों में डल नज़र आ रहे हैं। इसके अलावा ऋषि पटेल या ऐसा कुछ नाम होगा शायद, रायन पटेल, ऋषि पटेल जो भी नाम है उनका, उन्होंने नीचे से आके थोड़ा डिपेंडेंसी देके रखा हुआ है, लेकिन उस तरह से डेप्थ नज़र नहीं आ रही है, ना ही बैटिंग में ना ही बॉलिंग में। तो इसीलिए काफ़ी जो है ख़राब रिजल्ट चल रहा है आप कह सकते हैं लिस्टेसर की तरफ से। काफ़ी मैचेस वो बहुत बुरी तरीके से हार भी रहे हैं। दूसरी तरफ से वाविक शर की बात करें तो हाईली इनकंसिस्टेंट टीम रही है वाविक शर। वाविक शर कुछ मैचेस में आपको दिखेगा कि बहुत ही डोमिनेटिंग परफॉर्मेंस उनका हो रहा है, और कुछ मैचेस में आप देखेंगे कि बहुत ज़्यादा डोमिनेटेड वो हो रहे हैं। इनके पास टैलेंट की कमी नहीं है, चाहे आप बैटिंग की बात करें चाहे आप बॉलिंग की बात करें, कमी है तो बस कंसिस्टेंसी की। अगर ये टीम अपने दिन पे खेल जाए तो ये किसी भी टीम को हराने की एबिलिटी रखती है, लेकिन अपना दिन उनका कब आएगा यही बता पाना थोड़ा मुश्किल होता है। ठीक है, जैसे कि इस सीजन के शुरुआत में उन्होंने धमाकेदार स्टार्ट करा था, उसके बाद थोड़ा सा इनकंसिस्टेंट हो रहे हैं। लास्ट मैच में भी उन्होंने जीत हासिल करा था, एक मुश्किल स्थिति में से मैच को निकाला था। कुछ प्लेयर्स हैं इनकी टीम में जो काफ़ी टैलेंट तो रखते हैं लेकिन टीम को ढंग से यूज़ नहीं कर रही है। हालांकि अभी धीरे धीरे अगर हम परसेंटेज की बात करें तो इनका बढ़ रहा है। तो क्या है, क्यों है, सब कुछ यहाँ पर हम बातें करेंगे। बहुत ज़्यादा रिकॉर्ड्स मैंने पहले भी बता के रखा हुआ है कि ये जो लिस्टेसर की टीम मैचेस होते हैं, सिर्फ लिस्टेसर नहीं और भी बहुत सारे टीम्स होते हैं जैसे कि डर्बीशायर, डरहम, इनके आपको बहुत ज़्यादा रिकॉर्ड्स जो है इंडिविजुअल देखने नहीं मिलते हैं। तो इस मैच में भी आपको उतना ज़्यादा कुछ देखने नहीं मिलेगा। हेड टू हेड जाने के लिए आपको काफ़ी चीज़ जाना पड़ेगा, तो ज़्यादा हेड टू हेड पर नहीं, ज़्यादा आपको फोकस करना पड़ेगा करंट फॉर्म के बेसिस पे और ग्राउंड पे। ठीक है, हेड टू हेड की चीज़ें हम दिखाएंगे जरूर, लेकिन वहाँ से बहुत ज़्यादा कुछ आपको मिलेगा नहीं। तो स्टार्ट करते हैं इस मैच की एनालिसिस। पिछले 5 मैचों की बात करें तो वाविक शहर आपको आपको 3-2 से आगे होते हुए दिख जाएगी। इस ग्राउंड पे रिकॉर्ड की बात करें तो यहाँ पे भी मामला बराबर का ही चल रहा है वाविक शाह की तरफ से। जितने मैचेस उन्होंने जीते हैं उतने ही मैचेस उन्होंने हारे हैं, तो वही बात, कंसिस्टेंसी की कमी नज़र आई है। पिछले सीजन में भी 7 में से 6 मैचेस के रिजल्ट आए, वहाँ से 3 जीत और 3 हार इनको सहना पड़ा था। ये कुछ परफॉर्मर्स हैं जहाँ से सैम हेन सीजन परफॉर्मर होते हैं, बाकी एक आध मैच में कोई एक आध परफॉर्मर आ जाए लेकिन कंसिस्टेंसी नहीं दिखती है। और यहाँ से बॉलिंग पे आपको काफ़ी लंबा लाइन देखने को मिल जाएगा जहाँ पर लिंटॉट, ब्रीग्स, माइल्स, रोड्स अभी खेल नहीं रहे, ब्रैथवेट ज़्यादा बॉलिंग नहीं करा रहे हैं, क्यों मुझे नहीं पता। पिछले सीजन के हाईएस्ट विकेट टेकर थे ये पीएस टीम के होकर, तो ये इनका रहा है। बाकी लिस्टेसर की तरफ से हम चीजें पहले बातें कर चुके हैं। अभी हम आते हैं और देखते हैं कि जब ये दोनों टीमें आमने सामने हुई हैं आखिरी 5 मैचों में तो क्या क्या चीज है जो हमें देखने मिल रहा है। जो कि बर्मिंगहम में हुआ था, ये जुलाई का मैच है, मतलब लगभग 4 साल पुराना। लिस्टेसर ने काफ़ी बढ़िया बैटिंग करी थी, ऑफकोर्स करंट स्क्वाड में कोई अवेलेबल नहीं है, जैसा कि मोस्टली आपको देखने मिल भी जाता है। सिर्फ हेनरी या हैडी ऐसा कुछ नाम होगा इनका शायद, ब्रूक्स, इन्होंने एक विकेट निकाला हुआ था। करंट स्क्वाड में, करंट सिस्टम में खेल रहे हैं, बर्मिंगहम उतना अच्छा कुछ नहीं कर पाए थे। कैलम पर्किंसन के 4 और एकरमैन जो काफ़ी अच्छा रिकॉर्ड होल्ड करते रहे हैं इस फिक्स्चर में, उनका करियर बेस्ट जो बॉलिंग फिगर है वो भी इसी टीम के अगेंस्ट में है। हालांकि अभी तो बॉलिंग से इनका नाता नहीं है लेकिन कुछ बॉलिंग इन्होंने करके रखी हुई है। तो बहुत ही डोमिनेटिंग परफॉर्मेंस यहाँ पर रहा बर्मिंगहम के अगेंस्ट में लिस्टेसर का, और कैलम पर्किंसन ने यहाँ पर लीड करा था और 100 रनों से लिस्टेसर ने यहाँ पर जीत हासिल करा, जो पहला मैच बर्मिंगहम का है। उसके बाद लेस्टर में मैच हुआ, लेस्टर यहाँ पर डोमिनेटेड हो गई 143 पर, जहाँ पर ओली स्टोन, वोक्स कोई भी खेल नहीं रहे हैं। बर्मिंगहम ने इस बार इजीली चेस कर लिया, एडम होस, सैम हेन यहाँ पर परफॉर्मर दिख जाते हैं। तो दोनों ही मैचेस में चेसिंग टीम माफ करना, जो भी टीम जीत रही है वो यहाँ पर डोमिनेटिंगली जीत रही है, एक बार लेस्टर जीती एक बार बर्मिंगहम जीती। अगला मैच और दूसरा मैच जो बर्मिंगहम में हुआ, इस बार भी लेस्टर का बैटिंग अच्छा नहीं रहा, एकरमैन ने परफॉर्म करा, ब्रूक्स फिर से एक विकेट निकाते में आया है और बियर्स ने यहाँ पर चेस कर लिया, जहाँ पर सैम हेन के कुछ रन है और पार्किंसन माइक के विकेट। बहुत ज़्यादा कंसिस्टेंट प्लेयर्स आपको नहीं है, यही कुछ गिने चुने परफॉर्मर आपको देखने मिलेंगे, उनके साथ ही काम चलाना पड़ेगा।
सेकेंड लास्ट मैच लेस्टर में हुआ था, लेस्टर ने यहाँ पर फिर से बैटिंग फर्स्ट करते हुए काफ़ी बड़ा स्कोर खड़ा किया। तो लेस्टर काफ़ी इनकंसिस्टेंट तो रही है, चार जो मैचेस हम यहाँ पर देख रहे हैं चारों ही बार लेस्टर ने पहले बैटिंग करी, लेकिन दो बार उन्होंने बैटिंग डोमिनेशन करा, जब उन्होंने बैटिंग डोमिनेशन करा तब वो जीते, जब उनका बैटिंग नहीं चला तब वो हारे। जैसे कि यहाँ पर देखो 229 तो 100 रन से जीत गए, उसके बाद बैटिंग अच्छा नहीं हुआ तो हार गए, फिर से बैटिंग अच्छा नहीं हुआ हार गए, उसके बाद फिर से बैटिंग जब धमाकेदार हुआ तो वो जीत गए। फिर से हेन और होज की परफॉर्मेंसेस हैं। एकरमैन जैसे मैं बता रहा था अपने करियर का बेस्ट फिगर जो है इस ब्लास्ट में वो उन्होंने इसी टीम के अगेंस्ट में लेके रखा हुआ था, बाकी ग्रेविन ग्रिफिथ्स और विल डेविस के भी विकेट्स रहे हैं। सैम हेन काफ़ी पुराने प्लेयर्स में से है जिनका नाम कंसिस्टेंटली आ रहा है, और यहाँ से स्पिंडल्स हिल ये कुछ नाम आए थे। और लास्ट मैच जो हुआ था टोरंटो के पिछले दिन में, यहाँ पर फिर से बर्मिंघम ने पहले बैटिंग करी और विशाल स्कोर करा किया। फिर से सैम हेन के कुछ स्कोर्स हैं, बेन माइक, नवीन उलहॉक, पर्किंसन। लेस्टर बहुत बुरा तो नहीं था लेकिन चेज नहीं कर पाए जो मेन बात है आपके लिए। हिल फिर से यहाँ पर कुछ ना कुछ स्कोर कर रहे हैं, बाकी स्कॉट स्टील, रायन पटेल और बोलरों में से ये कुछ थे जिन्होंने परफॉर्म करा। तो ये है, आप अगर रीसेंट मैचेस ढूंढने जाएंगे तो ये लास्ट सीजन का मैच है, उसके पहले जाने के लिए आपको जाना पड़ेगा 2019 पे। तो ऑफकोर्स जो पुराने प्लेयर्स होंगे जैसे कि सैम हेन, हेनरी ब्रूक्स, इनके कुछ नाम आपको फिर भी, एकरमैन, इनके कुछ नाम आपको फिर भी मिलेंगे, लेकिन रीसेंट सिस्टम में जो प्लेयर्स हैं उनमें से आपको ज़्यादा कुछ मिलेगा नहीं। सिर्फ यही एक ही मैच मिलने वाला है जहाँ पर बर्मिंघम ने बहुत डोमिनेशन तो नहीं लेकिन चलो जीत हासिल करा, 190 उन्होंने बनाए थे। सैम हेन एक नाम है जिनके कुछ ना कुछ स्कोर्स हमेशा ही रहते हैं इस फिक्चर में, लगभग जब भी वो खेलते हैं बैटिंग फर्स्ट हो बैटिंग सेकंड हो। बाकी बेन माइक, नवीन उलहॉक, बेन माइक काफ़ी अच्छा कर रहे हैं इस सीजन में, जितना बचा कुछ हो रहा है कंसिस्टेंसी की बात करें लेस्टर की टीम में तो वो बेन माइक की तरफ से आ रहा है। नवीन उलहॉक के भी दो विकेट्स रहे हैं, लेस्टर चेस नहीं कर पाई थी। स्कॉट स्टील, रायन पटेल, लुइस हिल, ब्रिक्स, ब्रेथवेट, माइल्स, ये कुछ परफॉर्मर्स आपको वहाँ से देखने मिले थे। ठीक है, तो ये कुछ चीज़ें हैं, ज़्यादा बातें यहाँ पर करके कोई फायदा नहीं है हेड टू हेड का। लेस्टर मतलब पहले के चार मैचेस में या तो डोमिनेशन करा है या तो डोमिनेटेड हुई है, और आखिरी मैच पर थोड़ा मैं कहूँगा फाइट बैक करा था, लेकिन फिर भी जैसा कि आप एक्सपेक्टेशन रख भी सकते हो कि ये हारे हैं। तो जैसा मैंने आपको ऊपर बताया बर्मिंघम की तरफ से कि हाईली इनकंसिस्टेंट टीम है, तो वो चीज़ आपको यहाँ पर भी दिख रही है। अपने दिन पे उन्होंने धमाकेदार परफॉर्मेंस करके रखा हुआ है, एक तरफ हरा के रखा हुआ है, और अपना दिन जब नहीं रहा है तो वो हारे हैं मैच। हेड टू में ज़्यादा कुछ बताने के लिए नहीं है, अभी हम आ जाते हैं ग्राउंड के बारे में बातें करने के लिए। तो इस टीम के बारे में और इस ग्राउंड के बारे में अभी तक हमने इस सीजन में कोई मैचेस कवर नहीं करे हैं, तो चलिए डिटेल में देखते हैं कि इस ग्राउंड में कैसे कैसे मैचेस होते हैं। पिछले सीजन के कुछ मैचेस और इस सीजन में मेरे ख्याल से दो मैच हुआ है, तो उसको हम देखेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि इस ग्राउंड में मैचेस होते कैसे हैं। तो पहला मैच है ये आखिरी के कुछ मैचेस होंगे जो लास्ट सीजन के मैचेस आपको देखने मिलेंगे। तो नॉटिंघम शायर और बर्मिंघम पियर्स के बीच में मैच हुआ, नॉटिंघम शायर 177 उन्होंने बनाया था, डिसेंट स्कोर है। जेक लिंटॉट बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं ये इस ग्राउंड पे। डैनी ब्रिक्स तो चलिए है ही, वो इंग्लैंड डोमेस्टिक सर्किट में वन ऑफ द मोस्ट अंडररेटेड प्लेयर हैं जिनको कभी भी इंग्लैंड टीम में ढंग से मौके नहीं मिलते हैं, लेकिन काफ़ी कंसिस्टेंट परफॉर्मर रहे हैं, बैटिंग भी कर लेते हैं थोड़ी बहुत। तो जो भी हो, जेक लिंटॉट रोड जो अभी खेल नहीं रहे और डैनी ब्रिक्स, बर्मिंघम 63 पर निपट गई सिर्फ 63 पे। पेसर्स के साथ स्पिनर्स ने यहाँ पे 6 विकेट निकाला हुआ था, जहाँ पे आपके लिए 4 विकेट निकाला था लेग स्पिनर्स ने। ठीक है, बाकी पेसर्स का ही विकेट रहा है, जहाँ पे रॉब ईयर्स का खराब स्कोर रहा है, बाकी किसी बहुत लोगों ने तो सिंगल डिजिट के बाहर भी वो स्कोर नहीं बनाया। नॉटिंघम शायर बैटिंग फर्स्ट करके बहुत बड़े मार्जिन से जीत हासिल कर गई। उसके बाद बर्मिंघम और वॉर्चेस्टर के पीछे मैच हुआ, जहाँ पर सैम हेन, कार्लोस ब्रैथवेट आपको दिख जाते हैं पेसर्स का अपर हैंड। वॉर्चेस्टर साइड चेज नहीं कर पाई, ब्रिक्स, लिंटॉट, रोड्स यहाँ पर थे, माइल्स के 2 विकेट्स रहे हैं, तो ये कुछ परफॉर्मर्स रहे हैं। और इस बार भी बैटिंग फर्स्ट करते हुए बर्मिंघम ने जीत हासिल कर लिया। अगला मैच बर्मिंघम बना नॉर्दम्पटनशायर के पीछे मैच हुआ, बर्मिंघम ने 191 का स्कोर खड़ा किया। एडम होस काफ़ी इफेक्टिव रहते हैं इस ग्राउंड पे जब भी इनको ढंग से मौके मिले हैं। क्रिस बेंजामिन एक और नाम है, कभी भी इनका परसेंटेज आप देखेंगे हाई नहीं है, लेकिन ये एक प्रॉपर T20 प्लेयर है। मतलब इनको अगर 20-25 गेंद मिल जाए तो ये एबिलिटी रखते हैं 60 के ऊपर रन बनाने की, लेकिन इनको बैटिंग बहुत नीचे मिलती है। अगर 4-5 तक भी बैटिंग मिल जाता ना तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर बन सकते थे। मतलब जितने भी प्लेयर कीपर सेशन में लिस्टेड होने वाले हैं, सबसे खतरनाक प्लेयर बेंजामिन है। अगर ये खड़े रह गए 10-15 गेंद तो अकेले ही मैच खत्म कर सकते हैं। लास्ट मैच में भी उन्होंने वही करा, हारा हुआ मैच जितवाया था होस के साथ पार्टनरशिप करके। उसके पहले वाले मैच में भी धमाकेदार बैटिंग उन्होंने करी थी, लेकिन फिर भी लोग उनको ज़्यादा फोकस पे नहीं रखते हैं क्योंकि बहुत नीचे बैटिंग करने आते हैं और टीम में बैटिंग ऑर्डर का थोड़ा महत्व रहता है। बाकी होस, बेंजामिन, रोड्स, ब्रैथवेट ये कुछ परफॉर्मर्स थे। स्पिनर्स का अपर हैंड रहा है पहले इनिंग्स पर। नॉर्दम्पटनशायर 177 रन उन्होंने बनाए थे, तो रन बन रहे हैं, भले ही चेस नहीं हुआ लेकिन रन बन रहे हैं, जहां पर आपको रोड्स के साथ लिंटॉट, माइल्स, ब्रिक्स और रॉब येट्स ये दिखने मिल जाते हैं। जहां पर ये जो लिंटॉट, ब्रिक्स, येट्स हैं ये आपके लिए स्पिनर्स हैं, माइल्स और रोड्स पेसर्स रहे हैं। अगला मैच बर्मिंघम बनाम नॉर्दम्पटनशायर, देखिए क्या चल रहा है बर्मिंघम का। ठीक है, मतलब यहाँ पे जो पहला मैच आप देख रहे हैं 63 पर वो निपट गए,
उसके बाद से देखिए 169 उन्होंने डिफेंड भी करा, बोलिंग भी सही करी, बैटिंग भी सही करा। 191 बैटिंग में धमाकेदार, बोलिंग चलो ठीक ठाक है, 170 ओवर कंसीड जरूर करा लेकिन 8 विकेट निकाल दिए, मैच जीत लिया। उसके बाद 16 ओवर में 207, ये इसी दिन का पहला मैच रहा है जहाँ पर स्टर्लिंग और हेन कंसिस्टेंटली कुछ ना कुछ है। हेन का पेसर्स का ओवर है, नॉर्दर्न नशा को 81 पर निपटा दिया, जहाँ पर फिर से दोनों स्पिनर्स ब्रिग्स, लिंटॉट और ब्रूक्स इस दिन में काफ़ी अच्छा कर रहे हैं। लास्ट दिन में उतना कंसिस्टेंटली इनको मौका नहीं मिल रहा था। और अगला जो मैच रहा, यहाँ पे काफ़ी फंस गई थी बर्मिंघम की टीम। देखिए ऊपर 200 रन बना दिए 16 ओवर में, वो भी यहाँ पे 159 चेस करने उनको दिक्कत हो रहा था, वो तो अच्छा हुआ बेंजामिन ने धमाका मचा दिया, तभी जाके ये स्कोर लाइन अभी आपको लग रहा होगा कि नहीं काफ़ी डोमिनेटिंग जीत हासिल करा, लेकिन थोड़ा मशक्कत करना पड़ा था, यहाँ पे पार्टनरशिप बनाने पड़े थे तब जाके ये मैच वो जीते। ब्रूक्स, ब्रिग्स, माइल्स और ये कुछ परफॉर्मर्स रहे हैं। लिंटॉट स्पेशली बॉलिंग सेकंड में बहुत ही इफेक्टिव रहते हैं, मिनिमम 2 विकेट तो आपको ऑन एवरेज दिख ही जाता है इस ग्राउंड पे। बाकी ब्रिग्स कंसिस्टेंट हैं, ब्रूक्स काफ़ी अच्छा कर रहे हैं हर मैच में लगभग उनके विकेट्स हैं, माइल्स भी काफ़ी अच्छा कर रहे हैं 4 मैचेस से भी वो काफ़ी अच्छे फॉर्म पर रहे हैं, लेकिन लिंटॉट एक कैप्टन वैसे मटेरियल बन जाते हैं जब वो दूसरे इनिंग बॉलिंग करते हैं, ये नोटिस करने वाली बात है। पहले इनिंग्स में भी इफेक्टिव हो सकते हैं लेकिन दूसरे इनिंग्स में स्पेशली मैं कहूँगा कि वो कैप्टन वैसे मटेरियल बन जाते हैं। बाकी होज, बेंजामिन ब्रैथवेट ये कुछ परफॉर्मेंस रहे हैं पेसर्स के साथ, फिर से विकेट। तो जैसे कि आप देख सकते हैं ग्राउंड थोड़ा सा बड़ा है, ये इतना ईजी ग्राउंड नहीं है टू हिट, तो इसीलिए कभी कभी यहाँ पे स्पिनर्स को विकेट्स मिल जाते हैं। आप देख सकते हैं स्पिनर्स रोल पे रहते हैं, तो यहाँ पे आपको मिनिमम अगर आप किसी टीम के 3 बॉलर्स को ले रहे हो तो एक स्पिनर आप लेकर चल सकते हो। लेग स्पिनर अगर आपके पास हो तो डेफिनेटली आप लेकर चल सकते हो, आपने ऊपर भी देख लिया इसमें डोमिनेट करते हुए देखा है। लिंटॉट मैंने आपको बता दिया, डैनी ब्रिग्स, लिंटॉट तो वैसे भी आपकी टीम में होते ही है वाविशा की तरफ से, इवन यहाँ से भी लेस्टर की तरफ से भी अगर आपके पास कोई लेग स्पिनर वगैरह हो तो आप उनको कंसीडर कर सकते हो, ठीक है। बाकी ये मामला रहा है कि यहाँ पे रन बन सकते हैं, चेसिंग टीम भी रन बना लेती है लेकिन थोड़ा मशक्कत करना पड़ता है अगर 180-190 के आसपास स्कोर पहुंच गया तो, और उसके नीचे यहाँ पे चेस भी हो जाता है। जैसे आप देख सकते हो बर्मिंघम काफ़ी इनकंसिस्टेंट टीम है, ये कब क्या करेंगी पता पाना मुश्किल है। हालांकि अभी जो लेस्टर का मोमेंटम ब्रेक हुआ है ना इस रिसेंट कुछ मैचेस में, उसके बाद ये सोच पाना कि आज के मैच में बर्मिंघम का वो इनकंसिस्टेंसी आपको देखने मिलेगा, ये थोड़ा सा मुश्किल ही है, लेकिन आगे आने वाले समय में ये चीज़ आपको ज़रूर से देखने मिल जाएगा, ठीक है। कुछ परफॉर्मेंस अगर मैं बात करूं तो हेन कंसिस्टेंट है, ब्लिंटॉट, डैनी ब्रिग्स, ब्लिंटॉट स्पेशली सेकंड इनिंग्स में कैप्टन फसल मटेरियल बन जाते हैं, ये आपको जो है हिट ग्राउंड में दिख जाते हैं। इसके अलावा भी एडम होज एक बहुत एक्साइटिंग नाम है, इनको जब भी ढंग से मौके मिले हैं इन्होंने परफॉर्म करा है। क्रिस बेंजामिन नोटिस कर सकते हैं आप, लेकिन इनको ढंग से बैटिंग मिलनी चाहिए। अभी तो क्या है कि लेस्टर की बॉलिंग के ऊपर आप ज़्यादा भरोसा कर नहीं सकते, ठीक है। अगर ऐसी ही इनकी बॉलिंग चलती रही तो फिर अब तो मतलब बेंजामिन को बैटिंग मिलने से रहा, तो वही है। बाकी अगर इनको ढंग से बैटिंग मिल जाती है तो ये बहुत ही खतरनाक प्लेयर है, मैं बार बार बता रहा हूँ। कीपर सेक्शन में जितने प्लेयर्स लिस्टेड है सबसे खतरनाक प्लेयर ये है, एक ही रीज़न है बस उनको आप कंसीडर करने में सोच सकते हो, वो आपको दुविधा हो सकती है, वो है उनका बैटिंग ऑर्डर, बाकी और कोई रीज़न नहीं है, ठीक है। तो ये रही सारी चीज़ें जो ग्राउंड से बताने लायक था, हेड टू हेड की चीज़ें हमने सब कुछ सही से बता दी हैं। आई होप आपने सब कुछ देख लिया होगा, हेड टू हेड ज़्यादा कुछ था नहीं, जितना था मैंने आपको दिखा दिया। अभी हम आ जाते हैं प्लेइंग 11 की तरफ, तो ऐसा प्लेइंग 11 हो सकता है जहाँ पर स्कॉट स्टील जो लास्ट मैच में रन बना के आ रहे हैं, विकेट मेरे ख्याल से नहीं निकाला था उन्होंने लेकिन रन बनाया था, रदरफोर्ड, आरोन लिली, एकरमैन, लुइस हिल, रायन पटेल, बेन माइक, रोमन वॉकर खेल रहे हैं। रोमन वॉकर का क्या हो रहा है सीध मेरे को नहीं समझ आ रहा, इन्होंने प्रैक्टिस मैचेस में धमाका मचा कर रखा हुआ था, क्या ही बॉलिंग क्या ही बैटिंग। लास्ट मैच में इन्होंने थोड़ा बहुत बैटिंग तो करा था लेकिन बॉलिंग में कोई अता पता नहीं है इनका, क्या ही बॉलिंग कर रहे हैं, मतलब हर मैच में ही इनके खाते में 9 से 10 के ऊपर इकोनॉमी रह रहा है, विकेट भले ही निकालने कोई इफेक्ट हो नहीं रहा उसका। तो वैसे भी लेस्टर सिटी की बॉलिंग इतनी मतलब पानी के अंदर चली गई है, उसके बाद रोमन वॉकर के ऊपर भरोसा कर रही है टीम डेथ ओवर्स के लिए, तो वो तो और भी खराब हालत में जा रहा है, तो देखना पड़ेगा। रोमन वॉकर को मुझे मेरे ख्याल से बॉलिंग ऑलराउंडर की तरह यूज़ करना चाहिए, 2-3 ओवर से ज़्यादा बॉलिंग बिल्कुल नहीं मिलनी चाहिए, और उनको बैटिंग में थोड़ा मुझे लगता है अपलिफ्ट करना चाहिए, देखना पड़ेगा क्या करती है टीम। बाकी विल डेविस भी बेंच पर है अगर वो चाहें यूज़ कर सकते हैं। गैविन, वैसे तो रेहान अहमद खेल रहे हैं, टैलेंटेड काफ़ी हैं ये, लेकिन जैसी बॉलिंग चल रही है ना लेस्टर की तरफ से, मुझे लगता है गैविन ग्रिफिथ्स को यहाँ भी वापस लाना चाहिए, और जैसा मैंने बताया कि रोमन वॉकर को थोड़ा बैटिंग पे अपलिफ्ट करके गैविन ग्रिफिथ्स को एक स्पेशलिस्ट बॉलर के तौर पे, पेसर के तौर पे खिलाना चाहिए, जो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि कमी हो रही है इस टीम में। कैलम पर्किंसन, नवीन उल्लाह है, लेकिन दोनों में से कोई भी उस तरह से फॉर्म पर नहीं है। कैलम पर्किंसन ऑफकोर्स एक स्पेशलिस्ट स्पिनर है, और अगर आपको इसके इस टीम की तरफ से एक भी स्पिनर को लेकर चलना है तो आप कैलम पर्किंसन को ही
लेकर चलेंगे, लेकिन वही बात है कि लेस्टर सिटी की बॉलिंग के ऊपर ज़्यादा भरोसा कर पाना काफ़ी मुश्किल हो रहा है, मतलब इनकी टीम के ऊपर भरोसा कर पाना बहुत मुश्किल है, बॉलिंग ही क्या बैटिंग में भी आप ज़्यादा भरोसा नहीं कर सकते, कब कौन चलेगा बता पाना मुश्किल है। लेकिन अगर फिर भी कुछ लेने हैं तो यहाँ से जो प्लेयर्स हमारे टीम में ज़रूर से होंगे, स्कॉट स्टील भले ही लास्ट मैच में रन बनाया है लेकिन जितना मेरा ऑब्जर्वेशन रहा है इनकी तरफ की इनका बेस्ट परफॉर्मेंस आपको दिख जाता है जो लेस्टर का घर होता है ग्रेस रोड में वहाँ पे। इसके अलावा भी कुछ परफॉर्मेंसेस आए हैं, ये बॉलिंग बैटिंग दोनों करते हैं, परसेंटेज प्लेयर होने वाले हैं आप देख सकते हैं। लेकिन अगर मुझे अपने टीम कॉम्बिनेशन बनाने में कोई दिक्कत हुई तो ये पॉइंट मैं काम पे लगाने की कोशिश करूंगा, इसके अगेंस्ट में कुछ नहीं है, परसेंटेज प्लेयर हैं बैटिंग बॉलिंग, बैटिंग में भी ओपनिंग कर रहे हैं बॉलिंग में भी ओपनिंग कर रहे हैं, डेफिनेटली कैप्टन वैसे मटेरियल बन जाते हैं। लेकिन इनका एक वीकनेस है जो मैंने नोटिस करा है, तो अगर स्पेस का इशू आए तो मैं सोच सकता हूँ, एकरमैन ठीक ठाक है उतना कुछ नहीं, बॉलिंग नहीं करा रहे हैं, बॉलिंग पे इनके कुछ अच्छे रिकॉर्ड्स रहे हैं, अपना करियर बेस्ट फिगर भी उन्होंने निकाल के रखा हुआ है, देख सकते हैं हम। बेन माइक डेफिनेटली देना पड़ेगा, थोड़ा बहुत कंसिस्टेंसी जिस टीम में है वो यही निकाल रहे हैं, बाकी कैलम पार्किंसन नवीन उल हॉक बॉलरों में से ऑप्शन है, अगर आप सेकंड इनिंग स्पेशली देख रहे हो तो कैलम पार्किंसन को ले लेना, और बॉलिंग फर्स्ट में नवीन उल हॉक प्रायोरिटी हमेशा रखते हैं, हालांकि बिल्कुल ऑफ कलर नजर आ रहा है, कुछ खास इनसे हम उम्मीद नहीं रख सकते। बात करते हैं वार्विक शॉ की तरफ से, तो पॉल स्टर्लिंग और जेकब बेथेल इनके लिए ओपनिंग कर रहे हैं, लास्ट मैच में बेथेल को दो ओवर की बॉलिंग भी मिली थी। इन ये भी एक ऐसे प्लेयर रहे हैं जो प्रैक्टिस मैचेस में और सेकंड टीम के होकर जो मैचेस चल रहे थे टूर्नामेंट शुरू होने से पहले किस रेट में रन बना रहे थे, अगर आप नहीं देखेंगे विश्वास नहीं करेंगे, क्या ही हिटिंग कर रहे थे ये, लेकिन यहाँ पे आके बिल्कुल सहम से गए हैं, बॉलिंग भी दी रही है दिया जा रहा है इनको, लेकिन क्या पता आज का मैच ही उनके लिए ब्रेक थ्रू मैच हो, इनसे इनके पास पोटेंशियल तो बहुत है, अंडर 19 वर्ल्ड कप से आपने इनको देख के रखा भी हुआ होगा, लेकिन देखना पड़ेगा कि क्या करते हैं, क्योंकि लेकिन अभी तक तो कुछ खास ये कर नहीं पाए हैं। रॉब येट्स लास्ट मैच खेले थे, सैम हेन नहीं खेले थे, अगर सैम हेन का कोई फिटनेस इशू नहीं है तो खेलना चाहिए, स्क्वाड में तो हैं। उसके बाद एलेक्स डेविस, एडम होस, क्रिस बेंजामिन, ब्रैथवेट, ब्रूक्स, ब्रिक्स, लिंटॉट और क्रेग माइल्स, इनमें से जो जो प्लेयर्स आप छोड़ना नहीं चाहेंगे। स्टर्लिंग देखिए ये परसेंटेज प्लेयर है, परसेंटेज कैप्टन है, और ये एक ऐसे प्लेयर है ये खत्म कर सकते हैं गेंद को, अगर गेम को अगर 10-15 गेंद रह गए तो, और जिस तरह की बॉलिंग हो रही है लेस्टर की आप बहुत ज़्यादा भरोसा नहीं कर सकते, ठीक है, हमेशा ही रिस्की ऑप्शन है, लेकिन अगर चल जाते हैं तो आपको एक तरफा जितवा सकते हैं, अगर आपको कैप्टन बना रहे हैं तो टीम में तो रखना ही पड़ेगा अगर आप स्मॉल लीग खेल रहे हो तो। सैम हेन अगर खेलते हैं डेफिनेटली होंगे, अगर नहीं खेलते हैं तो शायद हम अगले ऑप्शन की तरफ देख सकते हैं। एडम होस थोड़ा नीचे बैटिंग मिल रहा है लेकिन मुझे लगता है डेफिनेटली एक अच्छे ऑप्शन होंगे, स्पेशली सैम हेन अगर नहीं है तो। उसके बाद यहाँ पर डैनी ब्रिक्स, लिंटॉट, ये चार हमारे टीम में ज़रूर से होंगे। इसके अलावा जिन प्लेयर्स के ऊपर मैं फोकस करने का सजेशन आपको दूंगा, बेथेल अगर देखना चाहते हो रिस्क लेना चाहते हो तो डेफिनेटली ट्राइबल ऑप्शन है। कार्लोस ब्रैथवेट कुछ ना कुछ कर रहे हैं बॉलिंग फर्स्ट में, इन्होंने पिछले सीजन में बहुत विकेट्स निकाले हुए थे लेकिन अभी बॉलिंग ज़्यादा नहीं करवा रहे हैं, लेकिन अभी मैं कहूँगा अगर बॉलिंग फर्स्ट कर रहे हैं तो काफ़ी अच्छे ऑप्शन बनते हैं। यहाँ पर क्रेग माइल्स और ब्रूक में से एक को ले सकते हैं आप, क्योंकि यहाँ पर बात हो रही है लेस्टर सिटी की बैटिंग की जो भी काफ़ी कंसिस्टेंटली काम नहीं कर रही है, और विकेट कीपर सेक्शन में डेविस, बेंजामिन और ऊपर लुइस हिल हैं, तो इन तीनों में से किसी एक को आप ले सकते हो। डेविस भी बहुत खास कुछ उन्होंने नहीं करा है, बस कीपिंग के पॉइंट्स देते हैं, बाकी बैटिंग की बात करी जाए तो बेंजामिन बेटर ऑप्शन होंगे लेकिन ये बहुत नीचे बैटिंग आ रहे हैं और आज के मैच में मुझे लगता नहीं कि इतना इजीली इनको बैटिंग मिल जाएगा, तो देखना पड़ेगा। बाकी जो जो प्लेयर्स को हम जरूर से लेके चलेंगे, पॉल स्टर्लिंग, सैम हेन अगर खेलते हैं तो, एडम होस अगर सैम हेन नहीं खेलते प्रायोरिटी इनकी ज्यादा होगी, उसके बाद डैनी ब्रिक्स, लिंटॉट और ये ब्रूक्स और माइल्स में से कोई एक, तो 5-6 प्लेयर्स यहां से हो गए। पंट्स के तौर पर आप यहां पर बेथेल को देख सकते हो, कीपर में बहुत बड़ा रिस्क लेना है, रिस्क इसलिए नहीं कि ये बेकार प्लेयर होंगे या फॉर्म पे नहीं है, लेकिन बैटिंग इनको ढंग से मिलेगी या नहीं यहाँ पे मुझे थोड़ा सा डाउट है। बैटिंग फर्स्ट में आप फिर भी देख सकते हो बेंजामिन की तरफ और कार्लोस ब्रैथवेट, तो ये 6-7 ऑप्शंस हैं जिनमें से हम 5-6 या 7 प्लेयर्स को लेके जाएंगे। कैप्टन वैसे रूम चॉइस की बात करें तो बेन माइक, स्कॉट स्टील यही सेफेस्ट ऑप्शन होंगे, यही थोड़ा बहुत कर रहे हैं, स्कॉट स्टील ने लास्ट में परफॉर्म करा था, उसके पहले तक तो ये भी शांति थे। उसके बाद एकरमैन, नवीन उल हॉक यही परफॉर्मर है, इसके आजू बाजू में और कोई नहीं है। रोमन वॉकर अच्छे प्लेयर हैं, अभी तक खास कुछ वो कर नहीं पाए हैं, पिछले सीजन में ग्लैमरगन के होकर बहुत परफॉर्मेंस उन्होंने अच्छा करा था, बैटिंग में भी थोड़ा बहुत दिखा रहे हैं धीरे धीरे, लेकिन अभी भी उस तरह से फ्री फ्लो में वो नहीं आए हैं। और रायन पटेल थोड़ा थोड़ा रन इन्होंने बना के रखा हुआ है। वार्विक के होकर स्टर्लिंग, ब्रैथवेट के आसपास लोग जा सकते हैं। इसके अलावा डेविस, हेन अगर खेलते हैं तो हेन, नहीं तो और लिंटॉट स्पेशली बॉलिंग सेकंड में, और ब्रिक्स तो कंसिस्टेंट है ही, इनको आप छोड़ोगे नहीं। क्रिस बेंजामिन अगर आप रिस्क ले सकते हो, बड़ी लीग खेल रहे हो, पहले के 4-5 में से एक दो प्लेयर या 3 प्लेयर को छोड़ रहे हो, तो वहां पे बेंजामिन को डेफिनेटली कैप्टन वैसे बनाकर ट्राई कर सकते हो। ये बहुत ही खतरनाक प्लेयर है, अगर खड़े रह गए 10-15 गेंद खड़े रह गए तो ये अकेले ही जितने मुझे लगता है कीपर होंगे ना सबके पॉइंट्स कवर करके दे सकते हैं विदाउट कीपिंग के पॉइंट्स, ठीक है।
अच्छा, तो बेसिकली ये स्ट्रक्चर मेरे लिए लगभग कंफर्म है। यहाँ पे बैटिंग सेक्शन में अगर हेन खेलते हैं तो मेरी टीम में आ जाएंगे, और बॉलर सेक्शन में ब्रूक्स का ऑप्शन है, ऑलराउंडर सेक्शन में बेथेल का ऑप्शन है। यहाँ पर आप क्या कर सकते हो, ब्रैथवेट या होज के जगह पर किसी एक को ड्रॉप करके आप यहाँ पे कीपर सेक्शन से जो है वार्विक शॉ के कीपर ले सकते हो। बाय एनिमीज में ये नहीं कह रहा कि लेस्टर के जो कीपर होंगे लुइस हिल वो बेटर ऑप्शन है, लेकिन बात यह है कि लुइस हिल के पास प्रॉपर बैटिंग आ जाएगी, डेविस के पास भी आ जानी है, लेकिन डेविस खास कुछ कर नहीं रहे हैं। मैं कंसिडर कर रहा हूँ कि अगर ये 50 तक भी पॉइंट देते हैं तब भी जो मेरे बाकी बॉलर्स होंगे या ऑलराउंडर्स होंगे उनके पास ये पॉइंट कलेक्ट करने के चांसेस जो होंगे वो ज़्यादा होंगे, ठीक है। तो इसलिए मैंने होज का भी नाम लिया है। अगर आप होज को ड्रॉप करते हो, वो भी काफ़ी नीचे बैटिंग आते हैं क्योंकि, तो वो भी एक पॉसिबिलिटी है। तो अगर आप होज को ड्रॉप करके यहाँ पर डेविस को लेते हो, ये भी आप कर सकते हो, और ऑलराउंडर सेक्शन से आप या तो लास्ट प्लेयर के तौर पे बेथेल को ले लो या फिर यहाँ से आप ब्रूक्स को ले लो, ऐसा बना लो, तो ऐसा भी आप कर सकते हो, जो भी बहुत बुरा स्ट्रक्चर नहीं लग रहा है। थोड़ा सा बैटिंग हल्का हो गया, अगर हेन खेलते हैं तब तो हेन आ ही गया, अगर हेन नहीं खेल रहे तब की बात हो रही है, ये समझ लो अगर हेन खेल रहे हैं तो। तो बाकी आपके पास ऑप्शंस क्या क्या आ गए, एकरमैन है, रदरफोर्ड है, पटेल है। पटेल अच्छा कर रहे हैं लेकिन ऑफकोर्स ये बहुत मतलब फास्ट खेल के ओवर बनाने वाले प्लेयर नहीं है एकरमैन जो है। पटेल कंसिस्टेंटली कुछ ना कुछ पॉइंट लास्ट सीजन में भी देते रहते थे, अभी भी दे रहे हैं, तो इन दोनों में से आप किसी एक को ले सकते हो। ऑलराउंडर में बेन माइक कंसिस्टेंट रहेंगे, बाकी यहाँ पे परसेंटेज प्लेयर होंगे स्कॉट स्टील, काफ़ी लोग इनको लेंगे लेकिन मेरे कैलकुलेशन में थोड़ा पीछे चल रहे हैं अभी ये। और बाकी अगर मैं यहाँ पर बॉलर सेक्शन से बात करूँ तो नवीन उल हक पहले ऑप्शन आते हैं, फैसली बॉलिंग फर्स्ट में बहुत ही ऑफ कलर नजर आ रहे हैं, लेकिन और कोई ऑप्शन भी नहीं है आपके पास। कैलम पर्किसन देखने वाले प्लेयर हैं फैसली दूसरे इनिंग्स पे, और यहाँ पे रोमन वॉकर बैटिंग तो इन्होंने थोड़ा बहुत करके दिखाया ही लास्ट मैच में, बॉलिंग अभी थोड़ा अगर इनको विकेट वगैरह मिल जाए कैसे भी करके, भले ही इकोनॉमी का माइनस वो देखे जाए, और बैटिंग में थोड़ा अपलिफ्ट इनको कर दिया जाता है तो काफ़ी इंपॉर्टेंट प्लेयर बन सकते हैं। इनके पास पूरा पूरा पोटेंशियल है, इनको कहीं ना कहीं बॉलर बना के रखने के चक्कर में टीम इनका पोटेंशियल खराब कर रही है जितना मुझे समझ में आ रहा है। तो ये कुछ ऑप्शंस हैं, दूसरे इनिंग्स पे पर्किंसन और पहले इनिंग्स पे अगर बॉलिंग करा रही है लेस्टर तो नवीन उल्हक और रोमन वॉकर कॉम्बिनेशन के साथ जा सकते हो, ठीक है। और ऑलराउंडर सेक्शन में लोग स्टील के साथ जा रहे हैं लेस्टर के आखिरी प्लेयर के रूप में, आप स्टील के साथ भी जा सकते हो या फिर बैटिंग सेक्शन में एकरमैन और रायन पटेल के कॉम्बिनेशन के साथ भी आप कंसीडर कर सकते हो, ठीक है। कीपर सेक्शन में ऐसे प्लेयर को मैं डेविस इजी ऑप्शन हो जाएंगे आपके लिए, कीपिंग के पॉइंट्स भी देंगे और ऊपर बैटिंग भी मिलने वाली है इनको। बाकी बेंजामिन में हमेशा ही कह रहा हूँ कि बेस्ट ऑप्शन होंगे अगर इनको बैटिंग मिलती है ढंग से तो, ठीक है। आखिरी यहाँ पे मैं सैम हेन को कंसीडर कर रहा हूँ, अगर सैम हेन नहीं खेल रहे हैं तो आप आखिरी प्लेयर मैंने बता दिया, बेथेल हो गए या फिर ब्रूक्स हो गए, मुझे किसी देख सकते हो। कैप्टन वाइस कैप्टन चॉइस की बात करें, परसेंटेज कैप्टन आपके लिए स्टर्लिंग होने वाले हैं। स्टर्लिंग हमेशा ही रिस्की ऑप्शन रहते हैं, हालांकि इनकी बॉलिंग को देखकर ये परसेंटेज जो है काफ़ी लॉजिकल भी लग रहा है, लेकिन हमेशा ही स्टर्लिंग रिस्की ऑप्शन होते हैं। इनका आप ज़्यादा कुछ वो नहीं कर सकते कि नहीं ये तो चल ही जाते हैं, ये रन बना ही देते हैं, अब जब तक रहेंगे मारेंगे लेकिन कब तक रहेंगे ये बता पाना मुश्किल है। बाकी ऑप्शंस की अगर हम बात करें तो आपको कुछ नहीं समझ आ रहा, बेन माइक के साथ जा सकते हो, बेन माइक को डिसेंट जगह पर बॉलिंग मिल रही है, बैटिंग तो मिल ही रही है, तो कुछ ना कुछ पॉइंट्स आपको देखे जा सकते हैं। सेकंड इनिंग से अगर वार्विक शॉ बॉलिंग करा रही है तो लिंटॉट और ब्रैथवेट एक डिसेंट ऑप्शन बने रहते हैं, अगर थोड़ा बहुत ज्यादा बॉलिंग कराने लग जाए तो आपके लिए अच्छे ऑप्शन बन सकते हैं स्पेशली बॉलिंग फर्स्ट में। तो सेफ हो जाएंगे बेन माइक और ब्रैथवेट अगर कुछ नहीं समझ आ रहा, थोड़ा चांस ले सकते हो, काफ़ी लोग बनाएंगे भी तो परसेंटेज कैप्टन भी होंगे तो वो बहुत स्टार्टिंग हो जाते हैं। और अगर वार्विक शॉ दूसरे इनिंग से बॉलिंग करा रही है तो लिंटॉट ब्रिग्स ये कॉम्बिनेशन के साथ आप जा सकते हो। तो ये रही सारी चीज़ें और सारी एनालिसिस। वीडियो को पसंद आया हो तो लाइक जरूर करना, सब्सक्राइब करना, चैनल को टेलीग्राम चैनल पर जरूर ज्वाइन हो जाना क्योंकि इस मैच की फाइनल्स मान लेगी फुल टीम और लास्ट मोमेंट में जितने अपडेट्स आएंगे वो चैनल पे ही आएंगे। तो तब तक के लिए बेस्ट लक विद दिस मैच एंड गुड बाय फॉर नाउ।